डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज के बारे में सुना है? पूरी दुनिया में सिर्फ भारत में ही है लिविंग रूट ब्रिज, और आज हम इसी लिविंग रूट ब्रिज को देखने के लिए वर्ल्ड फेमस ट्रैक करने जा रहे हैं। वेलकम टू माय चैनल, मैं हूँ शाइनी और हम हैं मेघालय में। तो चलिए हमारे साथ हमारे बकेट लिस्ट में एक टिक ऐड करने। वेलकम टू तिरना इलाका टूरिज्म, जहाँ पे हर रोज दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं। इस ट्रैक के लिए आपको एक गाइड हायर करना पड़ेगा, सो मीट आवर गाइड। जंगलों के बीच जब आप ट्रैक करोगे तो आपको एक गाइड की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे रास्ते ही आपको नहीं मिलेगी अगर आपके साथ एक प्रॉपर लोकल ना हो। तो कुछ 3000 सीढ़ी पार करने के बाद वी रीच सिंगल रूट ब्रिज, बट हमारे गाइड ने सजेस्ट किया पहले डबल डेकर रूट ब्रिज घूम कर आते हैं, उसके बाद सिंगल रूट ब्रिज आएंगे वापस आते टाइम। चारों ओर जंगल है और जंगल के बीच बीच में ना इतने सारे पाइनएप्पल के पेड़, ये कॉफी के पेड़ है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है एक लोकल के साथ ट्रैक करने का, क्योंकि उनको इस एरिया के बारे में सबसे ज्यादा पता होता है और आपको भी वो नॉलेज मिलती है। यहाँ पे आने से पहले हमने कितने सारे वीडियोस देखा है और सारे वीडियोस में इनफैक्ट सभी लोगों ने भी हमसे कहा कि ये ट्रैक आपको जाने में 2 घंटा और मिनिमम आने में 3 घंटा तो लगेगा ही, लेकिन हमारा पहले से ही टारगेट था कि हम जितनी जल्दी हो सके वहाँ पे पहुँचना है। पर मुझे हाइट से और पानी से बहुत ज्यादा डर लगता है, और यहाँ पे तो दोनों ही है, नीचे नदी जा रहा है और ऊपर ये जो लोहे का ब्रिज है ना, इसमें कुछ भी मतलब सेफ्टी जैसा कुछ है नहीं, क्योंकि नीचे सिर्फ बैम्बू है, लोहा कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। मैंने जैसे तैसे करके वो क्रॉस कर लिया, एंड देन आपको अगेन अनादर एक ब्रिज क्रॉस करना है, तो बेसिकली दो ब्रिज क्रॉस करने के बाद आप डबल डेकर के और नजदीक आ जाओगे। लेकिन इस ट्रैक को शुरू करने से पहले हमने पार्किंग लॉट में कुछ खाया था, उसके बाद कुछ भी नहीं खाया, जस्ट पानी पिया है हमने। सुबह जल्दी ट्रैकिंग हमने स्टार्ट किया और जाने के वक्त बारिश नहीं मिली, लेकिन पूरे पसीने से ही हम भीग गए, क्योंकि ये ट्रैक ना बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग है। ये एक रूट ब्रिज है छोटा सा, जिसे क्रॉस करते ही फाइनली हम पहुंच गए डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज, विच इज जस्ट वन इन द वर्ल्ड एंड दैट ऑल्सो इन आवर ओन इंडिया मेघालय में। क्या आपको पता है ये ब्रिज 400 साल से भी ज्यादा पुराना है, लेकिन पहले इसमें सिर्फ नीचे वाला पोर्शन ही बनाया गया था, सिर्फ सिंगल डेकर बनाया था, लेकिन जब पानी तेज होता है ना बारिश के मौसम में, तो ये सिंगल पूरा ढक जाता है, पानी के नीचे चला जाता है, इसीलिए इवेंचुअली इसके ऊपर एक और डेकर मतलब एक और रूट ब्रिज बनाया यहाँ के लोकल्स ने। इट वॉज ब्यूटिफुल, मतलब सिर्फ रूट से एक ब्रिज भी बन सकता है, वो भी इतना स्ट्रॉन्ग, इतना मजबूत। ट्रस्ट मी, वो लोहे का ब्रिज हिल रहा था, लेकिन ये ब्रिज बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। आई फेल्ट सो सिक्योर क्रॉसिंग दिस ब्रिज एंड आई फेल्ट के ह्यूमंस कैन डू एनीथिंग। इसके नीचे जो नदी जा रहा है, ये पानी आ रहा है नोकलिकाई फॉल्स से, जो कि इंडिया का वन ऑफ द टॉलेस्ट वाटरफॉल्स में से एक है, और ये ब्रिज बनाया गया है रबर ट्री के रूट से। नीचे वाले ब्रिज पर जाने के लिए लोगों ने अभी सीढ़ियां बनाई है, लेकिन पहले तो ये सब हुआ नहीं करता था, पहले पहाड़ी के साइड साइड से ही लोग आते थे। पूरी दुनिया में सिर्फ मेघालय में ही लिविंग रूट ब्रिजेस पाए जाते हैं, एंड ये जगह तो इतनी ज्यादा फेमस है, बट द सैडेस्ट पार्ट इज दैट यहाँ पे आने के लिए कोई रास्ता नहीं है, कुछ भी ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, सिर्फ आपको ट्रैक करके आना पड़ेगा, विच इज वाई बहुत सारे टूरिस्ट आते ही नहीं। इनफैक्ट अभी भी कितने सारे लोकल्स ऐसे हैं जो रोज ऊपर नीचे करते हैं, ये पूरा ट्रैक कितनी बार दिन में उनको करना पड़ता है, तो उनके लिए तो ये सिर्फ 20 मिनट या 30 मिनट का ट्रैक है। डबल डेकर रूट ब्रिज तक आने में हमें टोटल टाइम लगा 1 घंटा 10 मिनट, कहीं पे भी हमने रेस्ट नहीं किया, एंड हमारे गाइड भैया ने भी कॉम्प्लीमेंट किया कि इतनी जल्दी बहुत कम लोग यहाँ पे पहुंच पाते हैं, जनरली लोगों को मिनिमम 2 घंटे का टाइम तो लगता ही है, और बाकी लोग यहाँ पे आके स्टे करते हैं, क्योंकि एक ही दिन में आना और फिर वापस जाना 90% लोगों के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, इसीलिए डबल डेकर रूट ब्रिज के आसपास बहुत सारे होम स्टेज भी है, छोटा मोटा होम स्टेज। रूट ब्रिज में फोटोज एंड वीडियोस क्लिक करने के बाद ही इतनी तेज बारिश शुरू हो गई, तो सिंगल रूट ब्रिज जाने का रास्ता अलग है, इसीलिए गाइड लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना आपको समझ नहीं आएगा। तो सिंगल रूट ब्रिज जाने के वक्त हमें और ज्यादा ट्रैक करना पड़ा, लेकिन वापस आते टाइम हमें वो देखना तो जरूरी है, क्योंकि पता नहीं इसके बाद हम कभी आए या ना आए, ये वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, और हम
हमें इसे पूरी तरीके से जीना है। तो इसीलिए सिंगल रूट ब्रिज के बारे में मैं कुछ कहना चाहती हूँ। ये ब्रिज ना बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि उस वक्त इतनी तेज बारिश हो रही थी एंड ऊपर से ये ब्रिज लिटरली हिल रहा था बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा वीक हो गया है। अब बात करते हैं कि कितना खर्चा हुआ टोटल हमें इस ट्रैक को कंप्लीट करने में। गाइड हमने सिर्फ 800 रुपए में बुक किया था, विच इज आई थिंक वेरी अफोर्डेबल, क्योंकि हमने काफी बार्गेन किया और हम 12 बजे से पहले आ भी चुके थे। इतनी जल्दी हमने ट्रैक कंप्लीट कर लिया, इसीलिए गाइड ने एक दूसरी सवारी भी ढूंढ लिया। डबल डेकर रूट ब्रिज जाने से पहले आपको पर पर्सन 100 रुपीज और DSLR का और 100 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा। देखिए उस पहाड़ के बीच है डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज, वहां से हम आ रहे हैं, और सिंगल रूट ब्रिज के लिए आपको पर पर्सन 60 रुपीज का टिकट खरीदना पड़ता है। यहाँ पे जो लोकल मछली है उसका नाम खासाओ। खासाओ। और लोकल खाना, लोकल खाना हम तो राइस से खाते, चावल से खाता है, दाल सब्जी आलू। तो आपका घर किधर है? मेरा घर ऊपर में है। और नीचे था पहले? नीचे भी था, इधर भी है। इधर आपको आने जाने में कितना टाइम लगता है? मेरे पार्किंग से डबल पे जाने के लिए 20 मिनट।